वेलकम टू द ब्रेकफास्ट शो। वेल, आज होने वाला है शो में कुछ ऐसा जिसको देखकर आपके मुंह में पानी आ जाएगा और आप सोचेंगे कि ये खाना जो हमें आज स्क्रीन पे दिख रहा है, ये हमें एक्चुअल में खाना है और आप खा सकते हैं। क्या बात कर रही हूँ मैं, किस बारे में बात कर रही हूँ मैं? मैं बात कर रही हूँ बोहरा कम्युनिटी के बारे में कि बोहरा कम्युनिटी इज एक्सट्रीमली फेमस अपने मज़ेदार से डिफरेंट से खानों के लिए। और हमने सोचा कि क्यों ना हम उनको हमारे शो में बुलाएं और आपको बताएं कि एक फेस्टिवल होने वाला है कराची में, जो एरिया है नॉर्थ नाजमाबाद में, उसमें एक बेसिकली मॉल है द नॉर्थ वॉक, जिसको आप जानते हैं, उसमें कल, परसों और तरसों, यानी कि 24th, 25th and 26th of February से ये फेस्टिवल आप देख पाएंगे। और इस फेस्टिवल में क्या होगा, ये है बोहरा फूड फेस्टिवल। यानी कि जितना भी हम बोहरा कम्युनिटी के बारे में सुनते हैं कि उनकी कोई कहता है कि चपाती अच्छी होती है, कोई कहता है बोहरा फ्राइड चिकन अच्छी होती है, कोई कहता है कि कढ़ी चावल अच्छे होते हैं, ये सारी जितनी भी चीज़ें हैं ना, वहाँ पर आप जाकर खा सकते हैं, इंजॉय कर सकते हैं। ना सिर्फ ये, एक खूबसूरत सी ना थाल होती है, बड़ी सी थाल होती है, उसमें तकरीबन कोई 8 लोग खा रहे होते हैं और इसमें डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें होती हैं। कुछ मुनफरिद सा तरीका मुझे किसी ने बताया, पहले नमक खाते, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि आप देखेंगे तो आप थोड़ा सा हैरान होंगे और आप कहेंगे हाँ ये तो कुछ डिफरेंट चीज़ है ट्राई करने वाली। आज के शो में काम की बात में वो हमारे साथ यहाँ मौजूद होंगे, खाने में क्या है में भी वो मज़ेदार सी कोई चीज़ बना रहे होंगे, भला क्या, कढ़ी चावल, कोई कड़क बन, पाइनएप्पल का हलवा, ये सब देख के मेरे तो मुंह में जो है ना वो पानी आने वाला। आई एम श्योर आप भी शौक से देखेंगे, सीखेंगे। अच्छा, इसके साथ साथ क्या होने वाला है ये तो ज़रा हमने कहा सबको जगा दें, सबकी जो है ना वो आंखें खुल जाएं। और इसके साथ साथ क्या होने वाला है, आज क्या जीतें भी, ऑफ कोर्स हम आपके साथ खेलेंगे, लेकिन जो इंफरटेनमेंट है वो मैं आपको बताना चाहती हूँ। हमारे पास कुछ मज़ेदार किस्म की न्यूज़ हैं, जिसमें से पहली थोड़ी सी डरा देने वाली न्यूज़ है। और जो इंफरटेनमेंट में पहली डरा देने वाली न्यूज़ है वो ये है कि रिसर्चर्स ने इस बात को साबित किया है कि जो इररेगुलर स्लीप है, यानी अगर आप सही वक्त पर नहीं सोते, या आप सोते हैं जागते हैं, सोते हैं जागते हैं, सही से जो है वो 6 या 8 घंटे की नींद पूरी नहीं करते, तो आपके दिल की सेहत को नुकसान पहुंच सकता है। काफी अरसे से इस तरह की रिसर्चेस हो रही थी, लेकिन अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन में एक जर्नल में भी इसी वीक पब्लिश हुआ था कि देयर इज़ अ पॉजिटिव कोरिलेशन, कि नींद पूरी करना हर इंसान का लाजमी है, वरना दिल की से रिलेटेड जितनी भी बीमारियां होती हैं उनका जो चांस है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। विच मीन्स कि वक्त पर नींद पूरी करना और जो भी आपका नींद का एक स्केड्यूल है उससे पहले ना उठना, यानी 2 घंटे बाद ना उठना, 3 घंटे बाद ना उठना। तो जितने भी हमारे यहाँ मर्द हजरात हैं जिनको लगता है कि ख़वातीन जो है उनको नींद पूरी करनी होती है, नहीं जनाब, हर एक को करनी चाहिए, क्योंकि दिस इज़ हाउ आर बॉडी इज़ मेड। तो जो लोग जो है ना वो टाइम पर नहीं सोते थे, वो सब जो हैं वो ये सुन लें कि अगर आप अपनी ज़िंदगी लंबी चाहते हैं, क्वालिटी वाली चाहते हैं, तो जनाब आपको अपनी नींद पूरी करनी पड़ेगी, और एक ख़ास टाइम पे, रोज़ाना एक ही स्केड्यूल टाइम पे। इसके साथ साथ आपको बताना चाहती हूँ कि PSL 8 को तो हम देख रहे हैं, इंजॉय कर रहे हैं। आप किस टीम के साथ हैं, आप हमें ये बताएंगे। मैं तो इस बार साथ दे रही हूँ इस्लामाबाद यूनाइटेड का, बिकॉज़ वो बस हर बार जो है ना मैं सोचती हूँ कि चलो इनको सपोर्ट करना चाहिए, उनको सपोर्ट करना चाहिए, सो दिस टाइम इट्स इस्लामाबाद यूनाइटेड फॉर मी। अच्छा जी, अब हम बढ़ते हैं हमारी दूसरी न्यूज़ की जानिब। दूसरी न्यूज़ एक ऐसी बात है जिसके बारे में मैंने अभी तक शो में बात नहीं की थी। टर्की में जो हमने देखा है अर्थक्वेक की वजह से जितने भी नुकसान हुए हैं, मेरी कोशिश होती है सुबह सुबह जब आप लोग अपनी आंखें खोलें, हमारा शो देखें, तो हम किसी ऐसी चीज़ के बारे में बात करें जिसमें या तो कुछ पॉजिटिविटी हो या हम कोई चेंज ला सकें। तो ये मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ कि ये जब हादसा हुआ, इसके बाद बहुत सारे लोगों ने उनकी मदद की, बहुत सारी कंट्रीज़ ने मदद की, पाकिस्तान पीछे नहीं रहा। पाकिस्तानी अमेरिकन डॉक्टर्स ने बहुत सारा अमाउंट कलेक्ट किया है। मैं आपको अमाउंट बताना चाहती हूँ, 3,65,000 डॉलर्स कलेक्ट किए हैं इन्होंने इस अर्थक्वेक से जो है वो मदद करने के लिए। और ऑफ कोर्स वो एक्सट्रीम वेदर भी हो जाता है अर्थक्वेक के बाद, लोग अपना जो है वो घर खो देते हैं, उनके पास शेल्टर नहीं होता, खाने पीने की चीज़ें नहीं होती, एक्सट्रीम वेदर कंडीशंस होती हैं, पहनने को नहीं होता। तो वैसे इन द लार्जर स्कीम ऑफ थिंग्स दिस अमाउंट इज़ ऑफ कोर्स सारे नुकसान को भर नहीं सकता, मगर ये बहुत ही अच्छा एक इनिशिएटिव है। पाकिस्तान के इन्वॉय हैं टू द US मसूद खान। मसूद खान ने कहा कि पाकिस्तानी कम्युनिटी जो है US में, जो इधर उधर जहाँ भी जो भी लोग अफोर्ड कर सकते हैं उनको चाहिए कि वो मदद ज़रूर करें। और अगर आप ऐसे सोचते हैं कि आप किस तरह से मदद करें, तो इस तरह के अमेजिंग लोग हैं जिनको आप अपना कोई ना कोई
कम से कम डोनेशन दे सकते हैं टू हेल्प। अच्छा जी, इसके साथ हमारी तीसरी न्यूज दिलचस्प है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में मैं आपको बता रही होती हूँ, चैट जीपीटी के बारे में बता रही होती हूँ कि भाई एक चीज़ है, आपने अपना लैपटॉप खोला, मोबाइल खोला, एक सॉफ्टवेयर है, एक एप्लीकेशन कह लें, सॉफ्टवेयर कह रहे हैं, उस पर आप जो मर्जी लिखें वो आपको बना के दे देता है। आप बोले एप्लीकेशन लिख दें, ऐसे लिख दें, लेटर लिख दें, ये पिक्चर दिखा दें, इस तरह की पेंटिंग दिखा दें, वो कर देता है। चैट जीपीटी के बारे में मैं सोचती थी ये क्या बात है, इस तरह तो मेरिट किसी इंसान का रहेगा ही नहीं। और एक मजे की न्यूज मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि चैट जीपीटी ने रिफ्यूज कर दिया एक जॉब कवर लेटर लिखना। उनको किसी ने कहा, बेसिकली एक सिंगापुरियन बेस्ड जर्नलिस्ट थे, वो जरा ट्राई कर रहे थे चैट जीपीटी को, उन्होंने कहा आप मुझे ना एक जॉब के लिए कवर लेटर लिख दें। तो चैट जीपीटी ने उनको, जो कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, कोई इंसान नहीं, उन्होंने कहा कि ये मैं नहीं लिख सकता हूँ क्योंकि ये अनएथिकल है और ये फेयर नहीं है उन लोगों के साथ जो मेरिट की बेस पर जॉब हासिल करते हैं, तो खुद लिखिए। लेकिन उन्होंने थोड़ी सी टिप्स ज़रूर दी कि किस तरह से कवर लेटर को लिखना चाहिए। सो दैट इज़ इट जनाब, कि चीटिंग फिर भी उन्होंने नहीं कराई मगर मदद कर दी। और इसी नोट के साथ जो है वो टाइम है ब्रेक पर जाने का। ब्रेक से जब हम वापस आएंगे तो क्या होने वाला है, खाने में क्या है, मैं आपने हमेशा देखे कोई कॉन्टिनेंटल खाने, कोई देसी खाने, बोहरा कम्युनिटी के फेमस खानों में से तीन चीज़ें बन रही हैं, कढ़ी चावल, हो सकता है शायद मैं गलत बता रही हूँ बिकॉज मुझे कोई आइडिया नहीं है, मैं भी आपके साथ सीखूंगी। पाइनएप्पल हलवा बन रहा है, कड़क बन रहा है, ये सब क्या है, इसके साथ साथ वो खूबसूरत सी थाल भी हम आपको दिखाएंगे, कौन सी चीज़ क्या है, कब खाई जाती है, कैसे खाई जाती है, सब कुछ बताएंगे राइट आफ्टर शॉर्ट ब्रेक।